तो दोनों बहन अभी पूरा दुकान को सजा रहा है, जो नया स्टॉक आया है उसको लगा रहा है हैंगर में। मेरे को दिया इतना खराब, मेरे को दिया, हमको नहीं देगा, प्लीज दो ना, चाहोगे थोड़ा सा दो। हाँ बोले टेस्टी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फिर से सुबह सुबह हम लोग यहाँ बैठ के बेटा को होमवर्क करा रहा है, होमवर्क कर रहा है, साथ में ये कार्टून भी देख रहा है। हो गया होमवर्क, दिखाओ दिखाओ, सबको दिखाओ। अभी बेटा का होमवर्क चेक करेगा हम। वाओ वेरी गुड, ओ आ लिखा है, इतना सुंदर से लिखा है, ओ आ इतना सुंदर से लिखा है ना। ये बेटा का होमवर्क। तो अभी स्कूल का टाइम भी हो गया उसका, अभी स्कूल उसको छोड़ने जाएगा। इसका स्कूल 9 बजे शुरू होता है, तो 8:45 को हम लोग छोड़ने जाएगा स्कूल को। राजा को हम लोग स्कूल छोड़ने जा रहा है। ये कबीर राजा का पैक लिटिल बुड्ढा स्कूल है इसका स्कूल का नाम। ज़्यादातर तो कबीर राजा तो उसका स्कूल में नॉन यूनिफॉर्म में जाता है, वो लोग का वहाँ पर अलाउ करता है, यूनिफॉर्म नहीं है वो लोग का। अरे चप्पल क्यों खोल दिया, मुझे गंदा होगा ना अभी, गंदा है। ये सोनू को भी इसका स्कूल छोड़ देगा, उसका स्कूल तक नहीं छोड़ेगा, उसको आधा रास्ता तक छोड़ देगा, तो वहां से वो आधा पैदल चला जाएगा। आ जाओ जल्दी बैठो, लेट हो जाएगा स्कूल, नहीं तो लेट हो जाएगा स्कूल। अभी हम लोग कबीर राजा को स्कूल छोड़ने के लिए निकल गया, अभी रास्ता में है, पीछे सोनू बैठा हुआ। हाँ तुम दोनों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तुमको और सोनू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। उसका स्कूल दूर है ना, तो उसका स्कूल तुमसे दूर है, इसे दूर छोड़ने जाना पड़ता है। सबसे पहले सोनू को छोड़ के आएगा हम लोग उसका स्कूल, तो सोनू को हम लोग यहाँ तक छोड़ देगा, यहाँ से वो आगे पैदल चला जाएगा। बाय बाय कर दो, बाय बाय, यहाँ से वो पैदल चला जाएगा। दीदी सुनाई नहीं दे रहे वो। फिर राजा का स्कूल पहुंच गया, बाय बाय बाय। तो बेटा को स्कूल में ड्रॉप करके आ गया हम लोग। तो अभी मैं बैठा हूँ बिस्तर में, थोड़ा सा ब्लॉग देखूंगा। तो मैं हमेशा सुबह मतलब ऐसे शॉर्ट रील्स ब्लॉग चेक करता है, ज़्यादातर ब्लॉग हम ये सौरभ जोशी का देखता है। ब्लॉग करने का मतलब जोश भी मतलब सौरभ जोशी का ब्लॉग को देख के ही आया है हमको। तो अभी थोड़ा सा सौरभ जोशी का ब्लॉग देखता हूँ। ये सौरभ जोशी का ब्लॉग, तो ये आसपास का ब्लॉग देखता हूँ। अभी हम लोग चौंखम आ गया है। कबीर राजा का मौसी गुवाहाटी गया था उसका दुकान का शॉपिंग करने के लिए और घूमने के लिए, तो वो सुबह आया है। तो अभी उसको ही बचाने के लिए हम लोग चौंखम आया है, मिसेज के साथ में है, अभी चौंखम पहुंचने वाला है हम लोग। तो अभी हम लोग चौंखम पहुंच गया, चौंखम पहुंच गया है। ये है कबीर राजा का मौसी का दुकान का, ये शॉपिंग दुकान का सामान ये लेके आए थे गुवाहाटी से, ये उतार रहे हैं। स्पीड फिट्स यूनिसेक्स अंडरगारमेंट क्लोथिंग स्टोर। तो ये शॉप है चौंखम पे, चौंखम हायर सेकेंडरी स्कूल का सामने में है। इसमें न्यू फैशन्स का कपड़ा मिलेगा आपको, अच्छा 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 कपड़ा, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, जो ऐसा नहीं स्कूल गोइंग स्टूडेंट ओनली, आपका और लुक के लिए बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा है इसमें, और उसमें सारा ब्रांडेड आपका अंडरगारमेंट्स वो सब मिलेगा। और ये है ट्रायल रूम, बहुत बड़ा सा, इसको हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये है तो भरा हुआ है, और सामान लाना है वो लेके आएगा। ये नया स्टॉक अभी ये सब निकाल के
इसमें हैंगर्स में लगा रहा है। तो दोनों बहन अभी पूरा दुकान को सजा रहा है, जो नया स्टॉक आया है उसको लगा रहा है हैंगर में। लेटेस्ट फैशन कपड़ा आया है, अभी विंटर सीजन है, विंटर का कपड़ा सब आया है। अच्छा अच्छा स्वेटर्स भी आया है, ये सब देखिए काफ़ी अच्छा ब्रांड का है और ज़ारा का भी है यहाँ में। ये वाला कलर्स बहुत अच्छा लगा है हमको, लेडीज का ही है ये। स्कूल बैग भी है यहाँ पे, ये जो कलर्स ये पिंक कलर ये छोटा लड़की के लिए बहुत अच्छा होगा, छोटे बच्चे। ये देखिए स्कूल बैग्स है और लेडीज बैग भी है यहाँ पे। अभी हम लोग दुकान से घर आ गया तो घर में पासा रखा है, बोलते हुए पासा देखेगा देखेगा और खाएगा। ये पासा है हम लोग का खमती का लोकल डिश, सबसे फेमस डिश। निकालो ना बाटी में, निकालो बाटी में निकालो ना। हाँ बहुत ही टेस्टी है लेकिन ठंडा है। कपड़ा में लग गया। तो अभी हम लोग वापस नमसाई जा रहा है चौंकम से, कभी राजा का मौसी को उसका घर में छोड़ दिया। पहले तो हम लोग उसका दुकान गया था, उसका दुकान में जो वो नया स्टॉक लेके आया था उसको अरेंज किया वो, उसका हम लोग घर गया उसका। तो घर से अभी हम लोग वापस अभी नमसाई जा रहे हैं। तो अभी घर पहुंच गया, अभी जस्ट घर पहुंच गया अभी हम लोग चौंकम से। तो अभी ये अभी 12 बजा है, 12:30 बजे फिर कबीर राजा को लेने जाना है स्कूल से। तो अभी हम लोग चौंकम से नमसाई पहुंचाए हैं, बेटा को लेने का समय हो गया। तो हम लोग दोनों बेटा को लेने जा रहा है, कबीर राजा को उसका स्कूल से लेने जा रहा है। पीछे बैठेगा, टिफिन नहीं खाया, इसका टिफिन में चॉकलेट डाल के दिया था डेरी मिल्क, वो डेरी मिल्क खाया नहीं, अभी गाड़ी में खा रहे हैं। चौको नहीं देगा डेरी मिल्क, दो ना थोड़ा सा, प्लीज प्लीज दो ना थोड़ा सा, एक टुकड़ा ये देगा, मेरे को भी नहीं देगा। हाँ मेरे को दिया नहीं ना खराब, मेरे को दिया हमको नहीं देगा, प्लीज दो ना चौको थोड़ा सा दो। थैंक यू। कभी राजा छोटा बच्चा बंदर, लाल कपड़ा पहना है बंदर जैसा, नहीं इतना बड़ा हो गया तुम्हारा का पीठ में उठ के जा रहा है चौका पहन उठेगा, बंदर कैसे झाप मार मार के उठते नहीं उठते नहीं उठते नहीं आजकल बदमाश हो गया ना तुम, आजकल ये थोड़ा बदमाश हो गया स्कूल जा जा के ना दोस्तों के साथ मिल मिल के चालू हो गया आजकल। नहीं नहीं आज स्कूल में क्या क्या पढ़ा है बोलो, बोल दो क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए अभी, कभी राजा को स्कूल से लेके आ गया। क्या चलो उतरो जा। तो अभी हम जस्ट बैडमिंटन खेल के आया है, शाम का समय हमेशा बैडमिंटन खेलने जाता है। तो यहाँ भी स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी नहाएगा, नहा के ब्लॉग एडिट करेगा। तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं में ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हम अभी जस्ट बैडमिंटन खेल के आया था घर पर, तो बेटा नहीं है, बेटा को देख रहा था तो कहाँ गया है बोल के। तो अभी आके देखा है तो यहाँ पर दादी का आग का सामने बैठा हुआ है, इतना मजा से। घर नहीं जाएगा, यही बैठेगा, बाद में जाएगा, डूंगा डूंगा मत खेलो। और खाना खा रहा है दीदी, खाना खिला रहा है। ओ